गुड डे वंस अगेन स्टूडेंट्स, लेट्स डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टेक्स्ट्स ऑफ द चैप्टर द लास्ट लेसन. बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. मास्टर हेमल सा मी, मास्टर हेमल ने मुझे देख तो लिया एंड सैड वेरी काइंडली, लेकिन उन्होंने मेरे को बड़ी ही काइंडली कहा, मेरे को बड़ी ही दयालुता के साथ बोला, गो टू यूर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर बैठ जाओ. लिटल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम लोग तो तुम्हारे बिना ही अपना काम शुरू करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर बैठ गया एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने बेंच के ऊपर बैठ गया. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटल ओवर माई फ्राइट, मैंने अभी अपने डर से, फ्राइट क्या होता है डर, डर से अभी उभरा ही नहीं था मैं, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, कि हमारे टीचर ने उस दिन अपना हरे रंग का सुंदर कोट पहना हुआ था. हिज फ्रिल्ड शर्ट, और अपनी शर्ट है वो फ्रिल वाली शर्ट पहनी हुई थी. एंड द लिटल ब्लैक सिल्क कैप, और उसने छोटी काले रंग की कैप है वो पहनी हुई थी. ऑल एम्बॉडीड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और ये चीजें मास्टर हेमल केवल इंस्पेक्शन डे और प्राइज डेज, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है, या फिर जिस दिन कोई अधिकारी आता है स्कूल को चेक करने के लिए, उस दिन वाले कपड़े उसने स्पेशल क्लॉथ है वो पहने हुए थे अपना लास्ट लेसन डिलीवर करने के लिए. बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, इसके अतिरिक्त उस दिन पूरा स्कूल है वो बड़ा ही गंभीर मुद्रा के अंदर था. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, लेकिन जो चीज मेरे को ज्यादा हैरान करने वाली थी वो ये थी कि जो पीछे वाले बेंच होते हैं, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, वहां पर गांव के लोग हैं वो हमारी तरह से ही बैठे हुए थे शांति से, क्वाइटली होता है विदाउट मेकिंग नॉइस. ओल्ड हसर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, वहां पर बूढ़ा हसर भी बैठा हुआ था और जिसका तीन कॉर्नर वाला जो हैट है वो उसने पहना हुआ था. विद हिज थ्री कॉर्नर हैट द फॉर्मर मेयर, पहले गांव का जो मेयर हुआ करता था वो भी बैठा हुआ था. एंड फॉर्मर पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था वो भी था. एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त कुछ और लोग भी वहां पर बैठे हुए थे. एवरीबॉडी लुक्ड सैड, हर लोग है वो उस दिन उदास था. एंड हसर हैड ब्रॉट एंड ओल्ड प्राइमर, प्राइमर होता है कायदा, अल्फाबेट्स की जो बुक होती है, और बूढ़ा हसर है वो अपना प्राइमर लेके आया हुआ था, थंब्ड एट द एज, जिसको उसने किनारों से पकड़ा हुआ था. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने अपने घुटनों के ऊपर है वो रखा हुआ था, खोला हुआ था उसने. विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने चश्मे, स्पेक्टिकल्स होते हैं चश्मे, उसने अपने चश्मे हैं वो पेजेस के अंदर हैं वो रखे हुए थे ताकि वो खुला रह सके. व्हाइल आई वॉज, आई किसके लिए आ रहा है, फ्रेंड्स के लिए. व्हाइल फ्रेंड्स है वो नरेटर है, वो अपनी कहानी सुना रहा है. व्हाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट, मैं इन चीजों के बारे में सोच ही रहा था. मास्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर मास्टर हेमल है वो अपनी चेयर के ऊपर बैठ गया, जो चेयर उसके लिए लगाई हुई थी उसके ऊपर बैठ गया. एंड इन द ग्रे सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसने अपनी बड़ी ही गंभीर टोन के अंदर, आवाज के अंदर बोला, विच ही हैड यूज टू मी, जिसके साथ उसने मुझे बुलाया, सैड उसने बोला, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शिल गिव यू, ये मेरा आखिरी पार्ट है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ. द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, बर्लिन है वो जर्मनी की राजधानी है, वहां से आदेश आया हुआ है, जर्मनी से एक आदेश आया हुआ है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोराइन, ये इंपॉर्टेंट फेज है इसका. तो उसमें ये बोला गया है कि जर्मन के स्कूलों के, एल्सेस एंड लोराइन के स्कूलों के अंदर केवल अब जर्मन भाषा ही पढ़ाएगी, वहां पर पहले फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी, जहां जो उनकी अपनी मदर टंग थी, अपनी उनकी मातृभाषा थी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल है वो नया मास्टर आ जाएगा. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये फ्रेंच भाषा का, तुम्हारी भाषा का आखिरी पार्ट जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ वही पढ़ा रहा हूँ. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप बड़े ही ध्यान से मेरी बात को सुनो. तो ये जो सेंटेंसेज है ये मास्टर हेमल उनको बोल रहा है. वट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये
कड़कते हुए शब्द थे मास्टर हेमल के लिए, मेरे लिए. ओ द रेचिड, दैट वॉज वट दे हैड पुट एट अप एट द टाउन हॉल. और उन लोगों ने, दुर्भाग्यशाली लोगों ने हमारे लिए यही शब्द हैं, यही टाउन हॉल के ऊपर हैं, यही खबर है वो लगाई होगी. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है, वो बड़े हैरानी से बोल रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है. व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो अभी लिखना भी नहीं आता. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मुझे फ्रेंच भाषा और आगे नहीं सीख पाऊंगा मैं. आई मस्ट स्टॉप हियर, मेरे को यहीं पर ही रोकना होगा. देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मेरे को अपने लेसन्स ना ध्यान से सुनने के लिए सॉरी महसूस हो रहा था. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं पक्षियों के अंडे इकट्ठे करने के लिए चला जाया करता था. और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और स्लाइड करने के लिए, फिसलने का खेल खेलने के लिए चला जाता था. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूएंस ए वाइल एगो, सो हैवी टू कैरी, जो मेरी किताबें हैं जो मेरे लिए बड़ी ही एक प्रकार से परेशानी हुआ करती थी, जो बड़ी ही भारी हुआ करती थी स्कूल के अंदर उठाने के लिए. माई ग्रामर, जो मेरी ग्रामर की बुक थी, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरे जो संत होते हैं हमारे देश के, उनकी उनका जो इतिहास था, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वो अब मेरे दोस्त बन चुके थे. दैट आई कुड गिव अप, जिसको मुझे छोड़ना था. एंड मास्टर हेमल टू, और मास्टर हेमल भी टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, मास्टर हेमल भी वहां से जा रहा था. दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उसको दोबारा से कभी नहीं देखने वाला था. मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और उसके कारण जो वो डंडे से हमें सजा देता था, रूलर वो हमारे ऊपर चलाता था, उसको मैं भूल गया था. एंड नाउ एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और जो पहले मुझे अजीब लगा करता था वो अब नहीं लग रहा था. पुअर मैन, इट इज ए आर ऑफ, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन होता है पहनना, ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, शायद अपने आखिरी लेसन के सम्मान के लिए ही वो अपने सुंदर कपड़े पहने हुए था. एंड आई वॉज अंडरस्टूड, एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और मैंने अब समझा वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और गांव के जो बूढ़े लोग थे वो पीछे है, वो क्यों बैठे हुए थे बेंचों के ऊपर. इट वॉज बिकॉज देवर सॉरी टू, ये इस कारण से था क्योंकि वो भी ओल्ड हसर और जो दूसरे लोग थे वो भी महसूस कर रहे थे, सॉरी महसूस कर रहे थे फ्रेंच भाषा को, जो वो नज़रअंदाज कर रहे थे हमेशा ही, उसके लिए सॉरी महसूस कर रहे थे. दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो स्कूल में सीखने के लिए नहीं आते थे. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, और जो उसने वफादारी से 40 साल तक सेवा की थी उसके लिए वो धन्यवाद देना चाहते थे. एंड ऑफ शो देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और वास्तव में वो अपने कंट्री के लिए रिस्पेक्ट देना चाहते थे जो कंट्री अब उनका नहीं था. और ये स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, इनको भी आपने ध्यान से देख लेना है, इनकी स्पेलिंग्स याद कर लेना है आपने, ये डिफिकल्ट वर्ड हैं. आई होप दैट यू विल बी एबल टू रीड यूर लेसन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यूर लेसन दैट आई हैव done, and the next part we will do in the next video. Thank you so much.